गाइस वेलकम टू माय चैनल जूही अग्रवाल। आज मैं आपको बताऊंगी कि तवे वाले डोसे पे डोसा कितना क्रंची और क्रिस्पी बनता है। देखिए गाइस, हमारा इतना बड़ा डोसा तैयार हो गया है। अब हम इस पे घी डालेंगे ताकि ये क्रिस्पी एकदम बने। अब इसके ऊपर हम लोग आलू का मिश्रण लगाएंगे। इसमें आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। इसमें आप पनीर, मटर, अपनी पसंदीदा जो भी चीज़ें आप डालना चाहें इसमें आप डाल सकते हैं। हम इसमें थोड़ा सा अपनी फेवरेट, थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा टमाटर डालेंगे। मैं थोड़ा 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 डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा टमाटर अगर पसंद नहीं है। आप अपने हिसाब से, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं। ये देखिए हमारा गर्मा गर्म क्रिस्पी करारा एकदम डोसा बनके बाजार टाइप में तैयार। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है देख के। ये देखिए गाइस, एकदम क्रंची क्रिस्पी लाल हमारा डोसा बनके तैयार हो गया है। ये देखिए डोसा कितना क्रिस्पी क्रंची बना है। मैं आपको पूरा वीडियो दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा डोसा कितना बढ़िया डोसा बन के तैयार है। थैंक यू गाइस, बताइएगा ज़रूर कि वीडियो कैसा लगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना ज़रूर करिएगा।